बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के फजल करम से आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हम ना आज मेरे दोस्त के पास जा रहे हैं, तो अब हम उसके गांव के बिल्कुल पास हैं और हमें याद आया कि व्लॉग तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, तो व्लॉग अभी स्टार्ट करते हैं। और ये व्लॉग आपको काफ़ी देर के बाद मिलेगा। वजह ये बनी है कि मेरे मिड आ गए थे, मिड दिए हैं, जो कि उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हूँ। खांसी हो गई थी, नज़ला हो गया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो अब आपको इंशाल्लाह लगातार व्लॉग मिलते रहेंगे। तो आज हम काफ़ी देर के बाद मेरे दोस्त के पास आए हैं, जो हमारे साथ कॉलेज में होता था। तो व्लॉग भी हमने अब रास्ते में रुक के स्टार्ट किया है, तो हम उसके पास जा रहे हैं और आपको भी मिलवाते हैं उससे। साथ वन एंड ओनली इरफान, ये बैग साथ लेके आया, अगर झूठ बोल के आया कि मैं ना यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तो मैं तो सच बोल के आया हूँ, लेकिन ये झूठ बोल के आया, ऐसे ही है ना। तो अब चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं गांव, बहुत ही अच्छा है। देखें कि बड़ा मेन गेट लगा हुआ है और बंद किया हुआ है। कोई बंदा गाड़ी पे आए तो इरफान कैसे आएगा यार, वैसे ये तो सोचने वाली बात है। वो भाई रिक्शे पे आ रहे हैं, बाकी अच्छा बना हुआ है। सर ये राणा साहब है जी, मुझे तो खेलना नहीं आता। इरफान नहीं आता, आप दोवें एको जी हैं। राणे ने तो प्लेयर, राणे का फटा चार राणा कर करा कोई है ना राणा। ये देखिए हमें तो खेलना नहीं आता, लेकिन राणा साहब प्लेयर हैं, प्रो प्लेयर हैं यार। ये देखिए आपने बता के पीस डालना है। अच्छा नहीं राणा साहब बाहर नहीं बनी, बराए मेहरबानी गाली गलोच और शोर से परहेज करें। राव स्नोकर क्लब, ये राव साहब खड़े हैं। राव साहब ये राव साहब है यार, ये तो राणा था, ये राणे, ये राव जो है ना, ये आज राणे भी बने हुए हैं। ओ यार इरफान नहीं यार, खेलना मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी यार ये बंदा बड़ा प्लेयर बनता है। मैंने इसको ठोक दिया, कसम से मैं जीत गया हूँ। बस राणा साहब तो गेम ठुकी, गेम नहीं ठुकी, चलो नहीं ठुकी, किस तरह खेलना नहीं आता, लेकिन मैंने फिर भी राणा साहब को हरा दिया है। राणा साहब ये आपके लिए शर्म की बात है वैसे। शाबाश शाबाश। अब हम आए हैं राणा साहब के बाग में, अमरूद का बाग है, तो दिखाते हैं आपको भी। अमरूद माड़ा दबा के चेक कर लिया, अगर जरा माड़ा माड़ा दबदा हो ना वो तोड़ी, वो मीठा होगा बेटा, वो देखूंगा लगे दो। हाँ लाया, उतारो उसको। आज मुंडा हार्डवर्किंग करता रहा, चल कीड़ी ताली दी जा रहा। नहीं नहीं यार अमरूद लगे हैं भाई, ये देखो पानी में थले गाड़ना पड़ी। इरफान पकड़ यार, सही निपटा तोड़ मैदान देखो। राणा साहब का कहना है कि जो अमरूद दबाया जाता हो ना, पोला हो, वो जो मीठा होगा बाकी नहीं होगा। ऐसे ही है राणा साहब, ये क्या ये कच्चे होंगे अभी, इसलिए ये मीठा होगा वैसे जो दबाया जाएगा। जी बिल्कुल, खा के चेक करें, चेक करवाए ना आप जी। ओ राणा वाह, देखने में तो मज़ेदार लग रहा है। सही बात है, मीठा है, अच्छा है अमरूद। अगर किसी ने भी खाना हो ना, वो इधर आ सकता है राणा साहब के पास, आके मेरा नाम लेना है आपने, तो फिर ये आपको अमरूद खिला देंगे। ऐसे ही राणा साहब बिल्कुल जनाब, ताबेदार करें।
राणा साहब रांगड़ है, तो अब रांगड़ी बोलने की ट्राई करते हैं। राणा साहब आप पहले बोलो फिर मैं बोलूँगा। भाई क्या सुनना चाहते हैं मेरे से? जो भी सुना देता है। जो भी सुना देता है। हाँ, जो भी सुना देता है। मैं तेरे से कह गया अमरूद खाना तने। हाँ। फिर तने जवाब में मेरे से कह गया नहीं खाता। हाँ। क्यों नहीं खाता था? बता। बस यार मैं रज गया। क्यों रज गया था? हाँ। इसे भूख लगा है क्या? खावे को नहीं भाई, मुश्किल है काम। खा कर रख, मुश्किल है यार। ढूंढ में डंडा फटे जाबे था। नहीं मैं बस यार इरफान भाई चल आ जा। लो जी अमरूद खा के मैं फुल हो गया हूँ, फिर भी राणा साहब जिद कर रहे हैं ना कि रोटी खा के जाएं। तो अरफान को कोई कॉल आ गई, उसे काम है, तो इसलिए हम जल्दी निकले हैं। लेकिन इधर पास ही एक होटल है, राणा साहब कह रहे हैं कि उधर से कुछ हल्का फुल्का खा लो। अब वो खाते हैं और फिर इंशाल्लाह घर की तरफ जाना है। अरफान को कोई कॉल आई, उसे कोई काम है, तो वरना फिर हमने रोटी खा के ही जाना था। ये राणा साहब ने अपना इधर ना छोटा सा मुर्गी फार्म बनाया हुआ है, पोल्ट्री फार्म। ओए होए होए यार राणा, बड़ी स्मेल आ रही है यार। इधर लाना चाहिए यार। राणा साहब ने पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है। वाओ क्या बात है भाई, पक्खे चल रहे हैं, हीट बहुत ज्यादा हो रही है। अब राणा साहब हमें अपना भट्ठा दिखाएंगे, वहाँ से हम 500 ईंटें लेके जाएंगे राणा साहब से। अरफान ने भी लेनी है, अरफान बैग में लेके जाएगा, वो बैग लेके आया। ये है जी कायदे आजम का भट्ठा, कायदे आजम। वाओ अल्लाह अकबर की, ये क्या भाई सोने पर की ईंट, ये क्या होता है? A1 तो ये क्या है? नहीं नहीं ये जगह खाली क्यों है? इसके अंदर वो पीछे से कच्चियाँ ईंटा। अच्छा सही है, क्या सिस्टम वो क्या होता है? यानी कि नुकसान नहीं होता। हाँ। यार आप अच्छे लोग हो यार, राणा साहब आप पढ़े लिखे लोग हो, इसीलिए आपने अच्छा काम किया हुआ है। यह जी कायदे आजम का बैठा, ये ब्लोअर सिस्टम है राणा साहब ने लगवाया हुआ। ये अभी बंद किया हुआ है, इसलिए सफाई वगैरह भी करेंगे इसकी। सांप देखना आपने? जी जी मैंने सांप नहीं देखना, मैंने सांप देखना है। चलो आप वो देख लें, जोगी आ गया, अब क्या करें? वो कह रहे हैं छोटा है मेरे पास, चले छोटे देख लेते हैं। यार कैसी बात करे, जितना छोटा होगा उतना ज्यादा जहरीला होगा, ये आपने हमेशा बात याद रखनी। देखो पापा कोई गिद्ध डिशिंग वगैरह नहीं लगा दे इधर नो कर इतना सिटर ना रहना पर आया उतने आए नहीं बच्चा होती है बाकी ये मुसीबत ना मेरे दी लब दी किस्मत मार। अरफान की थले थले जा रहे है जे इथे आया ना? नहीं अरफान मेरे पीछे हो रहा है भाई, देख ले। ये केड़ा सापा जी? खपरा खपरा खपरा। ओए इन आवाज़ दो, इनको गल सुनो बच्चे दी। वाओ ओ आवाज़ आंदी भाई, वाओ खतरनाक सप्प यार भाई, सही क्या यार, ओ बड़ी आवाज़ आंदी यार राणा। ये जहर निकाला है कि नहीं? विच ही है, कट दे जे मर जांदा है। विच ही है जहर, भी डंग भी विच ही है। चेक कर राणा, वो डंग वो जुबान निकालन लग रहा है। खतरनाक है, खतरनाक है, बड़ी आवाज़ की, आवाज़ बहुत ज़्यादा इसकी। ठीक है जी रख लो बस इतना ही। गिद्दड़ सिंह की किधर कौन वेखी बैठा? वेखी नहीं मैं वैसे देखना चाह रहा हूँ, सुनी है मैं। राणा साहब देने लगे हैं हमें गिफ्ट, इन्होंने अभी इधर से खरीदे हैं ये नाग, तो चॉइस होगी, पहली होगी अरफान की, दूसरी होगी मेरी। मेरे पास ब्लैक है तो ये रेड मैंने ले लिया भाई। ठीक है मेरा भाई। आपका कौन सा था? ब्लैक मेरे पास है असल में। ये गंदा सराने को हमने दे दिया। नहीं यार ये राणा साहब की मोहब्बत है कि उन्होंने दिया है। राणा साहब थैंक यू। अरफान ये आपके अपने वाला दिखाना, अरफान वाला बड़ा ज़बरदस्त है, शाइन दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना हमने खा लिया है टका के, तो अब बारी है जाने की, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अरफान के घर से कॉल भी आ गई है उसे। खरबूजे लगे हुए हैं वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं इंशाल्लाह।
अच्छा ये अभी मैंने कहा लगे हुए हैं अंदाजा गर्मी में खरबूजे किस टाइम आवे उंज कहना मशन खानी। अच्छा ये राणा साहब के खरबूजे लगे हुए हैं इधर सब धन्यवाद ठीक है सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें हाँ जी फॉलो करें लाइक करें और शेयर करें। ओ जी जी थैंक यू राणा साहब थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह सिटी हम वापस आ गए हैं और अब इधर से अरफान भाई ने अपने घर की तरफ जाना है और मैंने अपने घर जाना है। अभी हम बैठे वेट कर रहे हैं, अरफान भाई ने बस पे जाना है और अभी बस नहीं आई, बस का ही वेट कर रहे हैं। जैसे ही बस आ गई फिर हेलो हाय। अरफान भाई भी चले गए हैं, अरफान साहब चले गए हैं और अब बारी है मेरी जाने की, अब घर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर में पहुंच गया हूं और रास्ते में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि एक औरत थी और साथ उसका हस्बैंड था, वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, हस्बैंड ने उसे बाइक से उतार दिया, खुद बाइक आगे लेके चले गए और वो औरत क्रॉस कर रही थी और उसकी एक ट्रक के साथ टक्कर हुई है और वो उधर ही ख़त्म हो गई हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ये सारा हादसा अपनी आँखों के साथ देखा है, उधर ही उसकी जान निकल गई है, बहुत बुरा हादसा था। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।